आदरणीय माननीय शक्ति सुंदरा दीदी जी, केपी सिंह जी, केपी सिंह जी ने आदेश किया कि भाषण तो बहुत देते हो, आज भाषण नहीं देना कि जैसा प्रोग्राम है वैसा ही देना है। और यहाँ मुकम्मल इस पे और अधूरे इस पे भी बहुत बात हुई है। हाँ जी, मुकम्मल हुआ है इस जिनका मैंने उनका हाथ देखना है, मुकम्मल हुआ है इस जिनका मैंने उनका हाथ देखना है, कैसी होती है लकीर जो मेरे हाथ में नहीं है, कैसी होती है लकीर जो मेरे हाथ में नहीं है। केपी सिंह जी से मैंने फोन किया कि कहाँ हो, कि देहरादून है और देहरादून में बारिश हो रही थी, तो मैंने इनको कहा कि तेरे शहर में बारिश बहुत है, भीगना मत, तेरे शहर में बारिश बहुत है, भीगना मत, गलत फहमियां भूल जाएंगी तो याद बहुत आएंगे हम, गलत फहमियां भूल जाएंगे तो याद आएंगे। कविता का दौर है और मैंने भी बहुत स्टेज शक्ति की भूमिका निभाई है कॉलेज में, स्कूल में, तो एक कविता के ऊपर छोकर साहब मेरे को इनाम मिला था, वो कविता मैं सुनाता हूँ और मैं खुद उस स्थिति से गुजर के आया था। इस रंग भरी दुनिया की रंगीनियों से जल हटकर मैं जा रहा था एक दिन एक झोंपड़ी से सटकर, जहां का बच्चा कह रहा था अपनी माँ का आंचल पकड़ पकड़ कर, माँ भूख लगी है रोटी दो, माँ भूख लगी है रोटी दो, कुछ न कर सकी वह मजबूर माँ, बह गए दो आंसू उसकी आंख से लुढ़क कर, बह गए दो आंसू उसकी आंख से लुढ़क कर, मुझे याद आया फिर एक और मंजर उस ऊंची सी हवेली का, जहां का बच्चा कह रहा था अपनी माँ से थाली पटक पटक कर, ये भी कोई खाना है इसे तो कुत्ते भी नहीं खाते, ये भी कोई खाना है इसे तो कुत्ते भी नहीं खाते, और मैं सोच रहा था गुम होकर या प्रभु तेरी दुनिया में कितना अंतर है, वहां खाने को अन्न नहीं है, यहाँ खाने का मन नहीं है, वहां ढकने को तन नहीं है और यहाँ ढकने का मन नहीं है, और अगर कपड़े उतारना ही फैशन है तो हम अभागे हैं इस मामले में, जानवर भी हमसे है। बात को आज से किसान बहुत खुश हो रहे होंगे कि देखिए ऐसे ऐसे हीरे निकल के आ रहे हैं, हमारे ये सब हीरे हमारे इन्हीं ये समझो कि इसी पहलहन में है, इसी पहलहन से आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और अब मैं ओम प्रकाश देवी नगर जी से गुजारिश करूंगा, उनसे पहले आप क्या नाम है आपका, गुप्ता जी।